welcome to Brighto Paints present Sawal Cricket ka. जैसे कि आप लोगों ने देखा हम इस शो में जो हैं कुछ प्लेयर्स को इकट्ठा करते हैं और उनकी नॉलेज को भी टेस्ट करते हैं. वी ट्राई एंड हैव अ लिटिल बिट ऑफ फन. वी डोंट वांट कि हम कन्वेंशनल वही क्रिकेट के हवाले से सवाल करें. तो जो आज के शो में मेरे दो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं. दोनों की अलग-अलग जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टूवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट. और रिसेंटली हमने देखा है जिनमें से एक हैं अब वो हमारे तीनों फॉर्मेट्स में कैप्टन बन चुके हुए हैं. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सरफराज अहमद की. और उनके साथ हैं वो वैसे स्पिनर जिन्होंने रिसेंटली रिकॉर्ड्स की भरमार जो है वो लगा रखी है. एंड ही इज़ परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स वी एवर हैड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, यासिर शाह. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसा फील कर रहे हैं यहाँ दुबई में आके दोबारा खेल के? महसूस अच्छा नहीं कर रहा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस बार. तो हर कोई गर्मी की कंप्लेन कर रहा है. पिछले में भी जब हम कर रहे थे शूट वो कह रहे थे गर्मी बहुत है. यासिर आपको पता होगा गर्मी की क्योंकि उन गर्मी में आप अपनी कमर तोड़ रहे होते हैं. ठीक है, वाकई गर्मी यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ज़्यादा गर्म है. आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए पावर प्ले के राउंड से. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया आपसे तीन क्वेश्चन ईच होंगे और आपने सही जवाब देना. जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा एक रन एक एक क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है, और फिर हम इस तरह आगे आगे लेते जाएंगे. सरफराज मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी. When did Pakistan win their first Asia Cup? Pakistan ne apna pehla Asia Cup kab jeeta? 2000. Arre wah, ye to mujhe options dene ki zarurat bhi nahi. Option dene ki isliye zarurat nahi hai kyunki Moin Khan kaptan the aur to isliye zarurat nahi hai kyunki pehla Asia Cup Moin Khan ne kaptani mein jeeta. Kahan pe tha? Bangladesh mein hua tha aur Moin Khan ne 60 run kiye the aakhir mein aake. पाकिस्तान दो बार एशिया कप जीता है, दोनों में विकेट कीपर ने रन किए थे आखिर में. हालांकि उस मैच में इंजी भाई ने भी 80 और स्कोर किए थे लेकिन क्रुशियल टाइम पे आके मुइन भाई ने भी 70 रन किए थे. और 2012 का जो एशिया कप जीता पाकिस्तान वही पाकिस्तान बांग्लादेश में जीता, उसमें मैं ही हाईएस्ट स्कोर था, मैंने 46 किए थे. मेरे ख्याल होस्ट अब शर्मिंदा हो चुका है और होस्ट जाने लगा है. यहीं पे इनको पहले ही दे देते हैं मेरे ख्याल से प्राइस है. लेकिन वेल डन वाकई. ये तो जिसे कहते हैं कि जिस स्पीड से आप बात करते हैं ना उसी स्पीड से आपने जवाब भी दिए. चले नेक्स्ट क्वेश्चन सरफराज, आपको एक पॉइंट जो है वो मिल चुका है. हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तान बैट्समैन टू स्कोर 150 प्लस रन्स इन एन ओडीआई इनिंग्स फॉर पाकिस्तान. यानी ओडीआई में वो कौन सा पाकिस्तानी बल्लेबाज है जिसने 150 से ज्यादा रन्स किए थे सबसे पहली दफा? ये आप मुझे हिंट दे रही हैं, मैं बता दूं आपको. आप हिंट दे दें. चलें मेरा ख्याल है मुझे बोल लेते हैं. रमीज आजा, सलीम मलिक, इमरान नजीर, सईद अनवर. एक बताना है या दो? नहीं, सबसे पहला सईद अनवर. सईद अनवर ये सबको याद होगा. 194 उन्होंने किया था इंडिया के खिलाफ चेन्नई में. एंड उसके बाद दोबारा बाकी जो है हमारे इमरान नजीर ने भी किया था बाद में. तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत इजी राउंड है यासिर. यहां पे जो है बहुत सेविंग के लिए इजी लग रहा है मुझे लग रहा है. कंपटीशन है आपका. अच्छा चलिए ये मैं पूछती हूं आपसे सरफराज. थर्ड क्वेश्चन, आपके दो पॉइंट्स हो चुके हैं. अगेंस्ट व्हिच टीम पाकिस्तान वन देयर फर्स्ट टेस्ट मैच? पाकिस्तान ने सबसे पहला अपना टेस्ट मैच कौन सी टीम के खिलाफ जीता था? ऑप्शंस हैं आपके श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड या फिर इंडिया. सोच लें अपना, ये इसमें कोई वो नहीं है, टाइमलाइन नहीं है, तो आप सोच सकते हैं. इंग्लैंड. करेक्ट. इंग्लैंड क्यों कहा आपने? क्योंकि ये पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच शायद इंग्लैंड में जाके खेला था. पहला टेस्ट मैच जीता पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ 1952 अक्टूबर 26 लखनऊ. ओके, तो चले ये गलत हो गया लेकिन बाकी दो जो थे वो तो बहुत इजी थे ना. वो मतलब यानी कि 2 पॉइंट्स मेरे पास है अभी चांस. मतलब अभी आपके पास बहुत चांस है वो करने का, डिपेंड करता है. आप मुझे बहुत पीछे ले गए ना, अब इतना पीछे याद भी नहीं रहे मुझे. लेकिन मुझे अच्छा हुआ ये पता चल गया. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दो तो बता दिए. यासिर आपके पास चांस है ये आखिरी में जो है ना. अब आप मेरा ख्याल अपनी गूगली करा दें इस उसमें. गूगली बहुत कमजोर है. रेडी? Which Pakistan bowler holds the record to take a wicket on the first ball of his T20 debut? कौन सा ऐसा बॉलर है जिसके पास रिकॉर्ड है कि उसने अपनी T20 डेब्यू की ही में ही पहली बॉल पे विकेट लिया? ठीक है,
ऑप्शंस सुन लें, शाहिद अफरीदी, शादाब खान, इमाद वसीम, आमिर यमीन। बड़ा आसान जवाब है। नहीं, आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, ये हेल्प नहीं हो सकती, ये मैं पहले बता दूं। और यहाँ पे वो कोई लाइफ लाइन भी नहीं है, फोन फ्रेंड भी नहीं हो सकता, 50-50 भी नहीं हो सकता। सो यू नीड टू टॉक अबाउट कि किसका रिकॉर्ड है कि उसने अपने पहले ही बॉल पे T20 डेब्यू की विकेट ले ली। शादाब खान। तुक्का मारा था? तुक्का मारा क्योंकि मुझे नहीं पता। लग रहा था तुक्का। आपको आपको आता आंसर? मुझे मेरे ख्याल में तो आमिर यमीन है। He's right. आमिर यमीन, विकेट ऑफ जेसन रॉय। जेसन रॉय, शारजा। शारजा, exactly against England in 2015. ये तो पूरी encyclopedia है। मैं बाहर था ना। मैं बाहर था, वो मैच हम सुपर ओवर में हार गए थे। अच्छा। Right. रह गया। So, अच्छा जी यासिर, आसान आसान सवाल पूछेंगे क्या आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। चले मैं, ये शायद आपको जरा इजी लगे। अगेंस्ट विच टीम पाकिस्तान हैज वन द मोस्ट नंबर ऑफ ओडीआईज? कौन सी टीम के खिलाफ हम सबसे ज्यादा वनडे जीते? सुने, ऑप्शन ए इंडिया, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी जिम्बाब्वे। सोचें सोचें जरा, सोच के जरा बताएं कि कौन सी टीम के खिलाफ पाकिस्तान सबसे ज्यादा वनडे जीता है। सबसे ज्यादा वनडे, हाँ, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे। सोच लो, थोड़ा सोच लो, कोई मुझे लगता है ये सरफराज को पता है, जिस तरह वो मुस्कुरा रहे हैं। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे। ये सोचना कि किसके खिलाफ हमने बहुत वन डेज खेले। मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे हेल्प कर रही हूँ, लेकिन इंडिया सरफराज अगर आप माइंड ना करें तो मैं इनको हेल्प कर दूं थोड़ी। आप कर दें, कर दें हेल्प। बड़ा इजी आंसर है, बहुत इजी आंसर है, बहुत ही इजी। इंडिया। बिल्कुल इंडिया। आप दोनों गलत हैं। श्रीलंका 85 विंस। हमने इंडिया 85 इन इंडिया के, मैं समझता था इंडिया के खिलाफ शक। श्रीलंका हम 85 दफा जीत चुके हैं श्रीलंका से। अच्छा, वैसे आपको खुद पता होना चाहिए इतनी दफा सीरीज हो चुकी है, हर साल तो हम दो दफा खेलते हैं श्रीलंका को, हर साल कभी वो आ रहे होते हैं कभी हम आ रहे होते हैं। तो कह रहा हूं मेरी नॉलेज इतनी नहीं है क्रिकेट की। चले कोई बात नहीं है, अभी आप ना ऐसा करना अगले राउंड में, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन आने वाला है वो मुझे लग रहा है कि शायद इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे लग रहा है कि शायद मुश्किल ही इसका आता हूं। When did Pakistan win the Asian Test Championship? 96, 97, 99, 2000. कौन से साल में Asian Test Championship पाकिस्तान ने जीती? 99, 96, 97 या फिर 2000? ये कौन से सवाल है? कौन सा सवाल है? मेरा ख्याल से कोई तुक्का ही मार। Asian Test Championship कौन से में पाकिस्तान जीता? 96, 97, 99, 2000। इतना मुझे पता है, मोइन भाई कप्तान थे। मोइन भाई के हवाले से कोई भी सवाल है जो पूछ लो उनको जरा। आपको आपको आता है जवाब इस वाले में? आईडिया है? मुझे आईडिया है शायद। यासिर ने क्या बताया? 2000। फाइनल जवाब लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। लेकिन सरफराज सिर्फ तेज है, याद रहती है। कोई बात नहीं है, आप बॉलिंग तो अच्छी कराते ना, वही राउंड के एंड पे जो स्कोर है वो बेसिकली 2-0 है। सरफराज ने दो आंसर का जवाब सही दिया और यासिर ने जो है कोई भी जवाब जो है सही नहीं दिया। लेकिन अभी जो है सिर्फ पहला सेगमेंट हुआ है, अगले सेगमेंट की तरफ देखते हैं जिसका नाम है हॉकाई राउंड। हॉकाई में आपके सामने स्क्रीन है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो जरा दो तीन दफा दोबारा देख लें स्क्रीन को। आपको एक विजुअल दिखाएंगे हम,
ठीक है, और वो रुक जाएगा, आपने आगे बताना है कि आगे क्या होता है, और ये आप दोनों के साथ जो है बजर्स हैं, बजर के बगैर नहीं करना, यानी आप पकड़ लें इनको हाथ में, अगर पकड़ लें तो बेहतर होगा, और बजा के देख भी लें, बज रही है, बज रही है, बजा के देख लें, जिसने जिसने पहले गेस किया उसको मिले 4 रन्स अगर सही हुआ, अगर गलत हुआ तो फ्री हिट होगी और उनको मिले 6 रन्स, ठीक है। तो मेरा ख्याल से कि हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है हॉकी राउंड। That's not entirely out of the middle of the bat, but still good enough. Straight back for a single. Straight back for a single. ये जो हुआ था ये उमर अकमल ने थ्रो की थी और मैं विकेट कीपर था और मोहम्मद इरफान के पास बॉल आई और बॉल बहुत ही ऑकवर्ड बाउंस हुआ और मोहम्मद इरफान को बॉल लगते लगते बच ये खेला नहीं है। 2016 एशिया कप उमर अकमल ने थ्रो की, मैंने कहा छोड़ दे आने दे और ये हुआ और ये हुआ। यार ये तो ज्यादा ही है, तुम खेले ये मैच, ये तो बिल्कुल सही का है। और मुझे ये था देखते हुए कि शायद इनको तो याद ही होगा बिकॉज ये हंस रहे थे, वो दिखा रहे थे फ्रेम में। सो 4 पॉइंट्स हो गए बेसिकली सरफराज के बिकॉज ही गॉट इट राइट, और उनको याद भी था, उनको डेट भी याद थी, वेन्यू भी याद था। अब जो अगला क्लिप है उसमें हम आपको एक प्लेयर दिखाएंगे लेकिन उनकी शक्ल जो है वो ब्लर हुई हुई है, आपने गेस करना है वो कौन सा प्लेयर है, ठीक है। और बजर पे प्लीज हाथ रखे या सिर्फ आपको कॉल के। Oh, that's a funny one. Where's it gone? It's gone straight up in the air. A crack at it. It's decision time. And everyone's getting in the act. He's going to tee off, is he? He's going to go to the top, come on. I think they're going to substantially reinforcing the onside field. He can hit this anywhere. What's he going to do? I would like to be with Paddy Great Match. दोनों के एक साथ दबाया मैंने पहले दबाया। अच्छा चलो तुम बता दो कौन है। आमिर सुहेल बॉल डेड हो गई थी, ये ना बॉल डेड हो गई थी, डेड हो गई। वसीम भाई हंसेंगे अभी। डैनी मॉरिसन बॉलर। Oh, that's a funny one. Where's it gone? It's gone straight up in the air. Amir Sahaya wants to have a crack at it. It's decision time. And everyone's getting in the act. He's going to tee off, is he? He's going to go to the top, come on. I think they're going to substantially reinforcing the onside field. He can hit this anywhere. What's he going to do? I would like to be with Paddy Gray. आपको कैसे पता था ये आपने? लेकिन चले कोई बात नहीं, आप जो है लीड कर। और दिस राउंड जिसका नाम है हॉकी, स्कोर जो है टोटल वो है 6-4। लेकिन जो हमारा अगला सेगमेंट है उसमें कोई पॉइंट्स नहीं है, वो सिर्फ फन सेगमेंट है, और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपने उसका सच सच मुझे जवाब देना है। Never have I ever envied another player doing well. कभी आपको कभी हसद हुई हो किसी और प्लेयर को देख के कि काश मेरी भी ऐसी परफॉर्मेंस होती? आई हैव या आई हैव नॉट? कभी देख के ऐसे लगा हो कि किसी प्लेयर को देख के यू नो नेवर? I have never. लेकिन भाई ये फीलिंग ये वाली हुई है कि यार उसने रन किया तो मैं भी रन कर दूं, बस। तो ये जेलिसी नहीं हुई। ये तो एम्बिशन है। हाँ। आपका? Never? कभी नहीं। खुद एतमादी बहुत ज्यादा है। अल्लाह का शुक्र है। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो मतलब एटलीस्ट यू गाइस आर बीइंग ऑनेस्ट, ये नजर आ रहा है कैमरे में कि आप लोग। जो भी अच्छा स्पोर्ट्समैन होगा ना वो भी कभी किसी की परफॉर्मेंस से जलेगा नहीं, वो कभी यही चाहेगा कि अगर इसने परफॉर्मेंस की है तो मैं भी परफॉर्मेंस करूं। या इंस्पायर हो। हाँ, इंस्पायर होगा, जाहिर सी बात है। कोई भी एक प्लेयर होगा कि जब वो देखेगा यार इसने अच्छी परफॉर्मेंस की, तो उसके लिए भी यही होनी चाहिए कि यार मैं भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करूं। नहीं, बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट। नेवर हैव आई एवर हैड अ क्रश ऑन एन एक्ट्रेस।
कभी किसी एक्ट्रेस पे आपको क्रश हुआ कि नहीं? और जो झूठ बोलेगा कौवा काटेगा। नेवर है? यासिर, ये कैसे, ये कैसे हो सकता है कि आपको कभी किसी एक्ट्रेस पे क्रश ही ना हुआ? कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। कभी कोई कोई सिंगर, कोई एक्ट्रेस, कोई पसंद नहीं आई? सिंगर, सिंगर पसंद आई है। कौन सी बात? सिंगर आई है तो ये है? नाम तो बताना पड़ेगा ना। लता, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर मेरी ख्वाबों में जो नहीं, उसके गाने पसंद है। अबे क्रश की बात हो रही है ना। क्रश मीन? ओ यार, यार बताओ पसंद, पसंद यार कोई पसंद आई या नहीं आई कभी? पसंद, पसंद। मैं कोई आपकी कोई फेवरेट एक्ट्रेस, कोई फेवरेट सिंगर, कोई यू नो भाई, कोई आपको ऐसी एक्टर, जो एक्टर कोई पसंद आई हो कभी कि यार ये, यार ये मुझे अच्छी लगती है? हाँ, अब ये बदल गया है ना, अब ये बदल गया। लेकिन देखो नाम तो बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं। काजल। काजल, काजल अगर आप सुन रही हैं, ये प्रोग्राम देख रही हैं, तो यासिर शाह को आप पे क्रश है। अब आप ये देखिए, वैसे बाय द वे वो मेरी भी बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। अच्छा, नेवर हैव आई एवर गिवन अ फैन माय फेक फोन नंबर। कभी किसी फैन को अपना फेक फोन नंबर दिया है? आई हैव। यासिर क्या नंबर था? हमने दोस्त का नंबर दिया। कभी नहीं मांगा ही नहीं किसी ने। चले जी, आखिरी हम अपने राउंड पे चलें, जो कि है, जिसका नाम है सुपर ओवर। और इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं आपको क्लूज दूंगी, 6 क्लूज दूंगी, आपने प्लेयर गेस करना है, ठीक है? डिफिकल्टी से ऑर्डर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इजी होता जाएगा। अगर आप 6ठे क्लू पे जो मैं पहला बोलूंगी उस पर गेस करोगे, आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। 5वें पे गेस करोगे 5, इस तरह करके, ठीक है? सो Let's see. इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया के लिए अगेंस्ट इंडिया एट द MCG इन 1985, ठीक है? अपना टेस्ट डेब्यू इन्होंने किया ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया के खिलाफ MCG में 1985। ही हैज स्कोर्ड 10,927 रन्स और इनके 3 5-विकेट हॉल्स भी हैं। इनकी कप्तानी के नीचे ऑस्ट्रेलिया ने 16 टेस्ट मैचेस विदाउट अ डिफीट जीते हैं, व्हिच इज स्टिल सरफराज ने बजर बजा लिया है। 1985 याद ही नहीं है। स्टीव वॉ। बिल्कुल, उन्होंने सही जवाब दिया। स्टीव वॉ की हम बात करें क्योंकि उनके 16 टेस्ट मैचेस ऐसे थे जो कि डिफीट के बगैर थे। इसी क्लू ने आपको दिया है या मतलब गैस? नहीं, मैं गैस चला गया था, मैं जा रहा था मार्क वॉ, स्टीव, मेरा ध्यान था मार्क वॉ। जब आपने बोला 10,000 और 5 विकेट, तो मेरा दिमाग फौरन गया कि इसकी 100% स्टीव। और एट द एंड ऑफ दिस राउंड जो सिचुएशन है वो है 10-4 की। यासिर शाह आप जो है क्लीन स्वीप। नहीं, कप्तान की इज्जत रखी है, कप्तान है ना, कप्तान को कैसे हरा सकते हैं? यानी कि असल में आप इजीली हरा देते हैं, लाइक कर लेते हैं। एक सवाल और पूछ ले, पता चल लगा 85 का वही 90s के बीच। आपको इनको थोड़ा और ग्रूम करना चाहिए एज कैप्टन ऑफ द फील्ड एज वेल। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। आई होप कि आप लोगों ने उतना ही इंजॉय किया और जितना हमने किया। और द विनर ऑफ टुडेज शो को 1 लाख का वर्थ, 1 लाख वर्थ पेंट मिलता है ब्राइटो पेंट्स की तरफ से। सरफराज, ये आपका हुआ। और राना साहब को भी 50,000 का पेंट मिलता है। तो यानी अभी घर वगैरह कभी बना रहे हो तो थैंक यू। और नेक्स्ट टाइम होमवर्क करके आना सर। और बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों गेस्ट का, इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। आई होप आप लोगों ने ये एपिसोड एंजॉय किया होगा। सवाल क्रिकेट का जो है जारी रहेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय। संग अ सॉन्ग फॉर अ गर्ल। ओह माय लॉर्ड, आई हैव मिलियन टाइम्स। एड शीरन, शेप ऑफ यू।
वो ना फ्रेंड कर लूं। फ्रेंड कौन है आपके? आमिर। खेलो टेंशन फ्री, वॉल्स स्टेन फ्री, ब्राइटो पेंट्स।